नमस्कार दोस्तों, मैं विद्यार्थी कॉमर्स क्लास से फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। इनकम टैक्स का सवाल है, चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और छात्रों का रिक्वेस्ट है कि मैं सारा क्वेश्चन जो है ना बना बना के अपलोड करता जाऊँ, और उन्होंने कमेंट में लिखा कि सर काफ़ी मदद मिली है। तो मैं एक नंबर दो नंबर तो पहले ही बना के दे चुका हूँ, तीन नंबर क्वेश्चन है जो कि आप स्क्रीन पर अच्छी से देख पा रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है शुद्ध वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए ए बी सी डी, और सबका जो है ना दिया हुआ है वैल्यूएशन। तो जैसा कि आप जानते हैं वार्षिक मूल्य निकालने के लिए जो है सबसे पहले जीएवी निकालना होता है। जीएवी निकालने का फॉर्मेट मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, एम वी एफ आर एस आर ए आर ई आर। तो क्वेश्चन में जो है एम वी दिया हुआ है, ए का है 60,000 और बी का है 48,000, सी का है 36,000, डी का है 96,000। आप यहां लिखिए ए बी सी डी, और एफ आर दिया हुआ है 75,000, ए का, बी का है 60,000, सी का है 45,000 और डी का है 1,16,000। ए आर दिया हुआ है 69,000 ए का, और बी का 54,000, और ये है 40,000, और ये है 1,20,000। एस आर ए का नहीं है, बी का है 72,000, सी का है 42,000, और ये है 1,15,000। आइए अब हम निकालते हैं जीएवी। रूल कहता है एम वी एफ आर में से बड़ा बट नॉट एक्सिस ओवर एस आर, एस आर से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो वो ई आर कहलाएगा। बड़ा कौन सा है 75, तो ये 75,000 ई आर कहलाएगा। बी के लिए एम वी एफ आर ये है 48, ये है 60, दोनों में से जो बड़ा होगा लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, 60 बड़ा है, 60 जो है ई आर कहलाएगा। और सी के लिए 36,45, दोनों में से जो बड़ा होगा लेकिन एस आर से बड़ा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एस आर है 42 जबकि एफ आर है 45, तो एस आर से यदि बड़ा हो जाए, तो यदि एस आर से बड़ा हो जाए तो ऐसे कंडीशन में जो एस आर है ना वो ई आर बन जाता है। आगे यहां भी डी में सेम कंडीशन है, 96 है 116 है, और ये एस आर है 115, एस आर से बड़ा है ना, तो ऐसे कंडीशन में जो एस आर है वो आपका ई आर बन जाएगा 1,15,000। आगे रूल कहता है ए आर तथा ई आर में से जो बड़ा होगा ना वही जी ए भी कहलाएगा। जी ए भी तो बड़ा कौन सा है, ए के लिए 75,000, बी के लिए जो है 60, और सी के लिए 42,000, और ये डी के लिए 1,20,000। हम यहां लिखते हैं जी ए भी, इट मीन्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ए का निकल चुका है 75,000, बी का जो है 60,000, सी का जो है 42,000, डी का जो है 1,20,000। इसमें लेस कर देते हैं म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का है 6,000, बी का है 4,800 और सी का है 3,600, डी का है 9,600। इसको लेस करेंगे जो आएगा ना वो कहलाएगा एनुअल वैल्यू। क्या कहलाएगा, एनुअल वैल्यू। तो ये हो गया 69,000, ये हो गया 8, 2, 10, 4, 1, 5, 5, 10, 1, 5, 55,200, 6, 4, 10, 3, 1, 4, 8, 12, 38,400, ये 6, 4, 10, 9, 1, 10, 1, 1,10,400। ये सवाल आपका बन के तैयार है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको, मेरा सोल्यूशन क्या हुआ, यदि आपको अच्छा लगा समझ में आया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और जहां तक हो सके अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं।